दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नया लिस्ट आ गया है वह दिखाने जा रहा हूँ। देखिए आप शहर में रहते हो या फिर गांव में रहते हो, मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही तरह का लिस्ट दिखाऊंगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। यहाँ पे आप उसका लिस्ट देख पाएंगे जो कि नया लिस्ट है और सरकार की तरफ से आज ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस लिस्ट के माध्यम से दोस्तों आपको यह जानकारी मिल पाएगी कि आपका नाम आया है या फिर नहीं आया है, क्या आपके बैंक खाते में पैसा आया है या फिर नहीं आया है। दोस्तों इस लिस्ट को देखकर आप बैंक खाते से अपना पहली किस्त का पैसा जो कि 40,000 रुपये हुआ है दोस्तों वह आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो की मैं शुरुआत कर देता हूँ। वीडियो की शुरुआत से पहले कहना चाहूँगा, अगर इस भर्ती से जुड़ा हुआ जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है आवास योजना, तो इसमें कोई भी डाउट कोई भी सवाल आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ गूगल पे, आ जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जो यहाँ पे ग्रामीण आवास योजना का वेबसाइट है उसका लिंक। देखिए आपको यहाँ पे सर्च करना है PM, देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया PMYAG.NIC.IN, आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आ चुका है खुद ब खुद, केवल मैंने PM डाला यहाँ पे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा अब जो नया पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल के माध्यम से आप यहाँ पर बड़े ही आराम से अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री द्वारा 75,000 से ज़्यादा आवेदकों को सरकार की तरफ से इस बार मकानों की चाबियाँ सौंपी गई है और उसके तुरंत बाद दोस्तों यह लिस्ट भी आ गई है। अब इस लिस्ट को देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको उसको हटा देना है। आपके सामने देखिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पोर्टल आपके सामने आ गया है। अब जैसे ही आपके सामने यह पोर्टल आ जाता है तो दोस्तों आपको नीचे की साइड आना होगा। यहाँ पे जो भी नया अपडेट आता है आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ा हुआ दोस्तों आप यहाँ पे उसको अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप यहाँ पे देखिए सरकार का टारगेट कितना है, कितने रजिस्टर हो चुके हैं, 2,16,53,068 से ज़्यादा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं आवेदक। मेरे प्यारे साथियों आपको देखना है अपने गाँव का लिस्ट तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब इन सभी ऑप्शनों में से दोस्तों आपको चुनाव करना है आवास सॉफ्ट वाला ऑप्शन। देखिए आवास सॉफ्ट वाला ऑप्शन आप चुनेंगे तो आपको इसमें भी कई ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि इस प्रकार से होंगे। अब आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपको रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है रिपोर्ट वाले पर आप क्लिक करेंगे, चलिए यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे पेज आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएगी जो कि ABCD में होगी। आप यहाँ पे काउंट करें ये बी, आपको नीचे आना है और ABCDEFGH वाले ऑप्शन पर यानी कि लास्ट में आना है आपको और यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब नए पेज में दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे देख भरने को मिलेगी। अब इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है वह मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए जो मैं आपको आवास योजना का नया लिस्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों यह अभी तक किसी ने आपको नहीं दिखाया हुआ क्योंकि यह बिल्कुल नया है जो कि आज ही आया है शाम में। अब दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस पेज पर। यहाँ पे आप अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपके राज्य का जो भी नाम है वह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप भले ही किसी भी राज्य से रहते हैं, आप कर्नाटका से है, आप दोस्तों वेस्ट बंगाल से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, जहाँ से भी आप हैं वह आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अब जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर राजस्थान कर लेता हूँ सिलेक्ट, मैंने राजस्थान किया। अब राजस्थान में मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया दोस्तों अपने ज़िले का नाम। अब ज़िले का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया अपने गाँव का नाम। अब गांव का नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट कराता है, उसके बाद यह सेलेक्ट करवाता है दोस्तों आपसे आपके ब्लॉक का नाम, पहले ब्लॉक का नाम फिर गांव का नाम, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे किस सन का देखना है, देखिए किस सन का आपको देखना है, ये रहा 2021-22, जिस भी सन का आपको देखना है उस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि किस योजना के तहत आप देखना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत देखना चाहते हैं या फिर दोस्तों मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत देखना चाहते हैं। दोस्तों हम लिस्ट प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत देखना चाहते हैं इसलिए यहाँ पे क्लिक करना होगा।
अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने एक नया पेज आएगा जो कि आपको यहाँ पे दोस्तों फिलअप कराएगा कि आपको 44 में से 40 घटाने हैं तो कितना बचेगा। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 44 में 40 गए तो दोस्तों 4 बचता है। अब मैं यहाँ पे 4 पे क्लिक करूँगा और सबमिट कर दूँगा। अब आपको मैं बता दूँ कि आपको नीचे की साइड आना है। देखिए अब इस जिले का जो मेरिट लिस्ट PDF है दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों आपके सामने मेरिट लिस्ट आ गया है। देखिए अब यह रहा डाउनलोड PDF, आप इसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों। यह ग्रामीण आवास योजना का नया PDF है, नया लिस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने इसे डाउनलोड करना होगा। आप इसे किसी पेज में ओपन कर सकते हैं। मैं ड्राइव में PDF को देखने डाउनलोड करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों जो लिस्ट है हमारे पास वह आ चुका है, और इस लिस्ट में 40,000 रुपये का और जिन्हें 1,20,000 रुपये मिल चुके हैं उनका तीसरी किस्त का पैसा सरकार की तरफ से उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों वह बिल्कुल लाइव है। कोई भी जानकारी आपके साथ यहाँ पे गलत शेयर नहीं की जाएगी। अगर आप टाइमिंग भी देखना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग जो अभी अपलोड हुआ है यह लिस्ट, तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ टाइमिंग। आपको यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आप इस टाइमिंग पे आइएगा और ये रहा टाइमिंग 7:10:21। देखिए अब यहाँ पे जो किस्त है ना, पहला किस्त जो 40,000 रुपये का जिन्हें मिलना है पहला, उन्हें पहला मिल गया है, और जिन्हें तीसरा किस्त मिलना है उन्हें तीसरा किस्त मिल चुका है। टोटल मिला के 1,20,000 रुपये उनके बैंक खाते में सरकार ने भेज दिए हैं दोस्तों।